हेलो फ्रेंड्स, टेक एज यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप नया अकाउंट ओपन किए होंगे, आप नया अकाउंट खुलवाए होंगे, तो आपको पोस्टल माध्यम के द्वारा इस तरह से एटीएम कार्ड मिलता है। तो इस एटीएम कार्ड को कैसे पिन जनरेट करेंगे, हम इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आप अपना एटीएम कार्ड पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आसानी से जनरेट कर लेंगे। जैसे आपका इस तरह से पासबुक होगा, इसके ऊपर से आप नया पोस्टल माध्यम के द्वारा एटीएम कार्ड मिला होगा, तो आपको एटीएम पिन जनरेट करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो इस वीडियो को फ्रेंड पूरा वॉच करने के बाद आसानी से आप अपना एटीएम पिन जनरेट कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला रुपए डेबिट कार्ड है, तो इसको आपको पिन जनरेट करने के लिए एक नया प्रोसेस आ चुका है जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जिस तरह जैसे आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं उस प्रॉब्लम को जनरेट करने के सीधे कस्टमर से बात किया, तो इस तरह से सुन सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। अपने खाते के फ्रॉड या अनाधिकृत लेन देन को रिपोर्ट करने के लिए अथवा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एवं यूपीआई सेवाओं को बंद करने के लिए अथवा अपने खाते को डेबिट फ्रीज करने के लिए 0 दबाएं। बैलेंस सेवाओं के लिए 1 दबाएं। खाता संबंधित सेवाओं के लिए 2 दबाएं। कार्ड संबंधी सेवाओं के लिए 3 दबाएं। नए डेबिट कार्ड का अनुरोध करने के लिए 1 दबाएं। एटीएम पिन जनरेट करने या बदलने के लिए 2 दबाएं। एटीएम कार्ड एटीएम पिन जनरेट करने के लिए 1 दबाएं। एटीएम पिन यदि आप पंजीकृत मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं तो वहां के लिए 1 दबाएं और नहीं, कृपया रुकिए। आपका कॉल फोन बैंकिंग अधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा। यह कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, पंजाब नेशनल बैंक में आपका स्वागत है। मैं शिवानी, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम, जैसे मेरा एटीएम पिन जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैम जैसे हमारा नंबर जो बैंक से रजिस्टर था, जो इसी नंबर से कॉल किया, तो इसमें रजिस्टर नहीं बता रहा है, तो कैसे जनरेट होगा एटीएम पिन से? कि एटीएम कार्ड है आपका? जी जी, का छह अंक जान सकते हो कार्ड नंबर का? कार्ड नंबर मैम जी, पूरा बताएं कि लास्ट का छह अंक कार्ड नंबर का क्या? रो का छह अंक कार्ड नंबर का आपका 607098 तो नहीं है? जी यही है। ये जो एटीएम कार्ड है सर, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का एटीएम कार्ड है जी। इसका जो पेपर पिन है वो बेस ब्रांच से इशू किया जाएगा। किससे? इसका पेपर पिन बेस ब्रांच से इशू किया जाएगा, इसलिए आपको बेस ब्रांच में संपर्क करना होगा। इससे मतलब क्या मैम? जैसे एटीएम से आप स्वयं से पिन जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसका पेपर पिन इशू किया जाएगा। अच्छा, पेपर पिन बेस ब्रांच से किया जाएगा सर, जिस ब्रांच में अकाउंट है आपका। अच्छा, वहीं से मैम पिन जनरेट होगा या? जी, वहीं से हो पाएगा मैम। इससे अलावा कोई और नहीं सलूशन है कि मतलब घर बैठे चाहे एटीएम से? नो सर, बेस ब्रांच से किया जाएगा, क्योंकि आपका कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना का एटीएम कार्ड है। ठीक है, कोई पेपर पिन इशू किया जाएगा बेस ब्रांच। ओके मैम, पंजाब नेशनल बैंक में बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से हमने कस्टमर केयर से बात कर ली है। इसके ऊपर से बात करने के बाद सीधे हम अपने अपने जिस जगह आप अपना खाता खुलाए होंगे उस जगह जाने के बाद अपना एटीएम कार्ड दिखाएंगे जो इस तरह से शो कर रहा होगा। इस तरह से आपका जो एटीएम कार्ड दिखाने के बाद मैनेजर को वहां से अपने कंप्यूटर से अप्लाई करेंगे। जिस तरह से आपका जो होता है पिन पेपरलेस होता है, अप्लाई करने के बाद आप अपने एटीएम पर जाकर पिन आसानी से जनरेट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड अपने एटीएम पर जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम अपने एटीएम पर आ चुके हैं। उसके ऊपर से हम अपना कार्ड लगाने के बाद इस तरह से प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड यहां से प्लीज वेट का ऑप्शन आने के बाद यहां से आप अपना एटीएम कार्ड जनरेट करने के लिए आपको सेकंड नंबर पर क्रिएट योर चेंज योर पिन पर क्लिक करेंगे तो यहां से दो ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे जो देख सकते हैं ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करेंगे, उस पर फिर से आपको योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक से लिंक रहेगा आपका नंबर, उस नंबर को यहाँ इंटर करेंगे तो उस नंबर पर आपको ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद फ्रेंड आपको क्या होता है, फिर से आपको ओटीपी
ओटीपी सीधे आपको जस्ट आपको तुरंत आपको इंटर करेंगे, तो इस तरह से ओटीपी आएगी तो आपको एटीएम कार्ड निकल जाएगा। एटीएम कार्ड निकलने के बाद फिर से आपको इंटर करेंगे, फिर से आपको यहाँ से क्रिएट योर चेंज योर पिन पर क्लिक करेंगे फर्स्ट सेकेंड वाले पर। उसके पर से यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से ओटीपी वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड सेकेंड वाले पर। सेकेंड वाले जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आपको जो नंबर पर ओटीपी आएगी 6 अंक का, उस नंबर को ओटीपी को यहाँ से इंटर कर लेना, जैसे आपको दिखा दे रहा है एग्जाम्पल के लिए शो कर रहा है। इस तरह से आपको यहाँ से ओटीपी को 6 अंक को इंटर करेंगे, यहाँ से आपको यस करने का ऑप्शन आएगा नीचे, यस या नो, तो नो नहीं करना है आपको, यस करना। इससे क्या होगा, सीधे आपका बैंक एटीएम द्वारा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा और आपको एटीएम पिन बनाने का नया ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं प्लीज इंटर योर न्यू पिन, मतलब आप अपने मन चाहे इंटर पिन कर सकते हैं, जो नया पिन बनाना चाहते हैं इंटर करेंगे। उसके पर सेकेंड दोबारा इंटर करेंगे ऑप्शन में आ जाएगा, और यूर अंडर प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, तो आपको वेट करना। उसके पर से आसानी से आपका एटीएम पिन जनरेट हो जाएगा और सक्सेसफुली आपको इस तरह से शो कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से आसानी से अपने एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं पीएन पंजाब नेशनल बैंक का। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।